अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ और अख्तर मैंगल के दरमियान होने वाली मुलाकात का, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने एतराफ कर लिया है कि फिलहाल तहरीक अदम एतमाद की पूरी तैयारी नहीं हो सकी है, काम जारी है, जब तैयार होंगे तो अदम एतमाद लेकर आ जाएंगे। तारीख से मुतालिक सवाल पर बोले, तारीख कैसे बताऊं, मैं कोई वली तो नहीं। अख्तर मैंगल बोले, अब तो तब्दीली के नाम से चिर होती है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम वो हाथ उठाकर आसमानों की तरफ वो दस्त बदुआ हैं कि ऐ खुदा कब इस बदतरीन फासिस्ट करप्ट नाअहल हुकूमत से जान छूटेगी। और अपोजिशन चाहती है हुकूमत को फौरन गिरा दे, तो फिर गिराती क्यों नहीं? शहबाज शरीफ ने सवाल का जवाब दे दिया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का असूली फैसला पीडीएम ने किया है और जो ही हमारी तैयारी मुकम्मल होगी आपको इंशाल्लाह सबसे पहले इत्तला दी जाएगी। धड़ाधड़ मुलाकातें हो रही हैं, अदम एतमाद की तहरीक कब लाएंगे, कोई तारीख ही बता दें। कोई वली नहीं हूँ कि मैं आपको आज तारीख बता दूँ। अख्तर मैंगल को तो तब्दीली के नाम से ही चिड़ हो गई है। तब्दीली के नाम से अब हमें चिड़ आ गई है। अब तो मैं ये कहूँगा कि उस बला से किस तरह छुटकारा हासिल किया जाए, तो ये लफ्ज़ है। 8-9 मिनट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इधर उधर की बातें भी हुई, लेकिन बॉटम लाइन ये थी कि अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए अभी तैयार नहीं।